सुनीत को सिर्फ एक हफ्ता ही बचा है, लेकिन अभी तक एडमिट कार्ड रिलीज नहीं किया है एनटीए ने। और ऐसा माना जा रहा है, बहुत सारे जो न्यूज़ एजेंसीज हैं उनके जो सोर्सेज हैं, जो बहुत सारे आर्टिकल पब्लिश हुए, उससे ऐसा बोला जा रहा है कि जो एडमिट कार्ड है वो कल यानी कि 10 जुलाई को रिलीज़ हो सकता है। जितने भी आर्टिकल्स हैं बड़े बड़े न्यूज़ एजेंसीज़ के, वो यही क्लेम कर रहे हैं कि एडमिट कार्ड टू बी रिलीज सून, और मोस्टली कल ही रिलीज़ हो जाएगा वो, क्योंकि सिर्फ 7 दिन बचे हैं पेपर को, और इससे ज़्यादा लेट नहीं करेगा एनटीए इसके लिए। और बहुत सारे न्यूज़पेपर बोल रहे हैं, जैसे कि जी न्यूज़ हो गया, हिंदुस्तान टाइम्स, ये india.com, ये तो सीधे बोल रहे हैं कि जुलाई 10 को ही रिलीज़ होगा। अगर पास्ट ईयर ट्रेंड्स देखें तो लास्ट ईयर जो 2021 का पेपर था उसमें 6 दिन पहले एडमिट कार्ड रिलीज़ हुआ था, और 2020 में 15 दिन पहले रिलीज़ हुआ था। तो अभी सिर्फ 8 दिन बचे हैं एग्ज़ाम को, तो मोस्टली कल तक रिलीज़ हो जाना चाहिए, क्योंकि उससे सेंटर पता चलता है, और जो स्टूडेंट्स हैं अगर उनका सेंटर दूर है कहीं, बस वो एग्जामिनेशन सिटी उन्होंने बता दिया है वैसे, तो उसके हिसाब से वो स्टूडेंट्स तैयारी कर लिए होंगे अब तक जाने के लिए। बट स्टिल एडमिट कार्ड ज़रूरी होता है, क्योंकि उसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी होती है, और कल तक एडमिट कार्ड आ जाना चाहिए। और ऐसा लग भी रहा है, क्योंकि बहुत सारे जो एजेंसीज हैं उनके जो इन्फॉर्मेशन है उससे यही बोला जा रहा है। एडमिट कार्ड आया है नहीं आया, आप कंटिन्यूसली ट्रैक कर सकते हैं, जो NTA.NIT.IN है उस साइट पे जाके देख सकते हैं कि एडमिट कार्ड आया है नहीं आया है। पहले तो उसका एक वो लिंक आने लगता है कि एडमिट कार्ड सून ऐसे करके आता है, और बाद में वो रिलीज़ हो जाते हैं, तो उस पर देखते रहना है लगातार कि कब आने वाला है वो। और फिर जब वो लिंक एक्टिवेट हो जाएगी तो वहाँ पे जाके अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड करने हैं, और उसका ऑफलाइन एक मतलब प्रिंट लेके रखना है, और 2-3 जेरोक्स भी करा ले तो अच्छा, क्योंकि एग्जामिनेशन सेंटर पे हम लोग को उसका जेरोक्स ही लेके जाना, ओरिजिनल कॉपी लेके जानी होती है, साथ में 1-2-3 जेरोक्स भी रख लेना चाहिए। थैंक यू।